आइए 11th का आज लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम बात करेंगे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है वैल्यू पेबल ऑन पोस्ट। राइट, वैल्यू पेबल ऑन पोस्ट, शॉर्ट में इसको VVP बोलते हैं। ये क्या है? ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम में ये प्रैक्टिकली यूज में नहीं है, लेकिन आज के टाइम में इसका कुछ चेंज फॉर्मेट चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग, आप सब लोग अमेजोन से सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? खरीदते हैं। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सामान जब खरीदते हो तो होता क्या है? कुछ और ही तो नहीं होता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाते हैं, सामान आता है, पेमेंट का मोड रहता है आपका, या तो पहले ही पे कर देते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू, या COD भी रहता है, कैश ऑन डिलीवरी भी रहता है, आपके दरवाजे पे उसका कुरियर बॉय लेके आएगा, सामान आप लोगे, आप उसको पेमेंट कर दोगे। लेकिन ये आज के करंट जमाने का सीन है, वैल्यू पेबल पोस्ट ओल्ड टाइम का सीन है। आप ये कह सकते हैं कि ये पुराने जमाने का अमेजोन वाला सिस्टम है। होता क्या था पहले, पहले के जमाने में, आज से 10 साल 20 साल पहले, जब ये अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं हुआ करते थे, या बहुत सारे ऑनलाइन काम नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट का इतना चलन नहीं था, उस टाइम में अगर कोई आपको सामान मंगाना होता था तो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता था कि ये सामान जो है आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी मंगा सकते हैं। राइट, तो अभी आजकल बीच में जो इंटरमीडियरी है अमेजोन है, जो यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है, और इस सेलर और बायर के बीच में कौन है? अमेजोन है। सेलर सामान देता है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे और आप इनको दे देते हो। सेम टू सेम पीछे जमाने में भी ऐसा ही हुआ करता था, जो सेलर है, यहाँ पे सेलर रहता था और बीच में रहता था पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है आपने? डाकघर, जहाँ से चिट्ठी आती है। आज भी है पोस्ट ऑफिस आपके हर शहर में, जो डाकिया होते हैं। तो सेलर जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू सामान भेजता था और जाके यहाँ पे बायर को रिसीव होता था। तो पोस्ट ऑफिस पे जैसे ही सामान भेजता था तो उस पे एक टिकट लगा दिया जाता था कि देखिए ये सामान इतने का है, पोस्ट ऑफिस वाला इसको लेके आएगा, इतना पैसा बायर से ले लेगा और उसको सामान पकड़ा देगा। तो सेम लाइक कॉन्सेप्ट वही है। अब बात करना आपको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो कैश सेल कर रहा था तो भी एंट्री कर रहा था, क्या वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू अगर वो सेल करेगा तो क्या एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का सेल ही है। तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करना था हमको, वैल्यू पेबल पोस्ट। आइए इसको हम रीड करा देते हैं। यहाँ पे लिखा है V.P.P. वैल्यू पेबल पोस्ट, अंडर दिस सिस्टम सेलर सेंड्स अ गुड्स थ्रू पोस्ट ऑफिस, किसके थ्रू भेजेगा? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। बायर पेज द वैल्यू ऑफ द गुड्स टू द पोस्ट ऑफिस एंड गेट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो अब इसका जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया। जब आप देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 27, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम राम ₹20,000 एंड स्पेंट अ प्यून टू कलेक्ट इट हु पेड 158 कार्टेज। तो ऑब्वियसली बात है, 20,000 का आपने सामान बेचा है, वैल्यू सॉरी बेचा नहीं है, यहाँ पे आपने क्या किया है, खरीदा है, राम से आपने खरीदा है और आप प्यून को भेजे थे उसको कलेक्शन के लिए, तो सिंपल सा बात है उसका खर्चा हो गया। तो परचेज अकाउंट 20,000, कार्टेज अकाउंट 150 एंड टू कैश 20,150, VPP रिसीव्ड एंड कार्टेज पे। तो यहाँ पे परचेज हो गया। आप अगर सेल भी करते हैं तो उसी हिसाब से आपका सेल हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैसे वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू ट्रांजेक्शन होता है। आज के जमाने में बहुत रेयर चांस में आपको ये प्रैक्टिकली मिलेगा, बिकॉज जब अमेजोन फ्लिपकार्ट इतना डोमिनेंट हो चुका है तो ये वैल्यू पेबल पोस्ट नहीं मिलेगा आज के जमाने में। फिर भी ये सिस्टम अभी चालू है, कोई सेलर चाहता है बहुत सारा कि हाँ हम बेचे दूर दराज के क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो हो सकता है। आज भी चिट्ठी भेजने का काम तो होता ही है ना, भले ही ईमेल आ चुका है लेकिन चिट्ठी वाले का यूज बहुत कम हो चुका है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वैल्यू पेबल पोस्ट का आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं। राइट,
आगे बढ़ने से पहले आपका डाउट का सेशन ले लेते हैं कि अगर आपको किसी में कोई डाउट है तो आप मुझे शेयर करें। आपका जो डाउट था मार्च 22 में लिखा हुआ है सोल्ड 1/5 ऑफ अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट, ठीक है, यही बोला है। अब अबव गुड्स का अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। अबव का हिंदी क्या होगा? ऊपर। तो कौन से गुड्स को बेचा जो कि ऊपर वाले गुड्स, ऊपर कौन सा गुड्स है? तो इसके ऊपर ये है, यही है ना। तो 12,000 का सामान खरीदा था उसी का 1/5। देखो मार्च 22 में आपको क्या कह रहा है, सोल्ड 1/5 ऑफ अबव गुड्स। अबव गुड्स कहाँ पे है? इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या है? ये है, ये है कि नहीं है? सिंपल सा बात है। तो 12,000 का सामान खरीदा था उसका 1/5 आपने बेचा है। सिंपल सा बात है, कैलकुलेशन करते हैं। आपका परचेज है 12,000, 12,000 का 1/5 कितना होगा? भागा देके देखिए, 12,000 को आप डिवाइड करें 5 से, कितना हो जाएगा? 2400। डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि जो ऊपर वाला गुड्स था उसका 1/5 हिस्सा 2400 रुपया आया, उसका आपने बेचा 33.1/3% ऑन कॉस्ट, जितना लागत था। तो लागत कितना था? 2400। अब इसमें प्रॉफिट कितना? ये हो गया कॉस्ट। अब प्रॉफिट कितना बोल रहा है? प्रॉफिट बोल रहा है इसका कितना? 33.33%, यानी कि 1/3, 33%, 1/3 हो गया। तो 2400 को 3 से डिवाइड करोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 800। तो आपका सेल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2400 800 3200 सेल प्राइस, ठीक है। तो थोड़ा घुमा घुमा के बोल दिया आपको। तो क्या जर्नल एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 3200। मेन इसमें 3200 निकालने का काम था टू सेल्स, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ध्यान में रखना है इन सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दोबारा से हम बोल देते हैं, सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। तो वो अबव गुड्स कौन है? ये 12,000 वाला। 12,000 का 5वां हिस्सा कितना होगा? 12,000 को 5 से भागा देंगे, 2400 रुपया आएगा। 2400 रुपया में 1/3 प्रॉफिट जोड़ देना है। तो 2400 का 1/3 कितना होगा? 800 प्रॉफिट जोड़ दोगे तो 2400 800 3200 आपका सेल हो जाएगा, ठीक। ओके, क्या अभी भी नहीं समझ में आया? यस सर, ठीक है सर, आगे समझ में। सर हाँ। मार्च 28 में थोड़ा एक बार क्वेश्चन देखिए ना, इसी में मार्च 28 में उसी के नीचे है। हाँ, बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेज, इस क्वेश्चन के नीचे है, यही वाला मार्च 28 ना, बैंक चार्ज फॉर इट्स सर्विसेज 200। यस सर, तो बैंक का चार्ज है तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दो। बैंक वाला तुम्हारे घर का आदमी नहीं ना है कि जब जाएगा चेक लगा देगा, पैसा निकालेगा, पैसा डालेगा, फ्री में करेगा कि चार्ज लेगा? लेता है ना बैंक चार्ज, चार्ज लेगा। तो बैंक चार्ज अपना खर्चा है, तो बैंक चार्ज कहाँ से लेगा? नगद में लेता है कि खाता से काट लेता है? खाता से काट लेगा, कैश लेगा। नगद कैसे लेगा? बैंक वाला को कैश जब भी कोई काम करोगे तो बिना खाता के करेगा? वैसे तो कोई भी कैशियर घर पे पैसा लेके चला जाएगा, आपके खाते से ही डिडक्ट कर देगा, बोलेगा कि 200 रुपए चार्ज कट गया। नहीं, पासबुक लेके दौड़े दौड़े जाते हैं, मैनेजर साहब ये देखिए मेरे खाता से 200 रुपए कट गया, ये कथी के काटे हैं? तो बोलता है बुड़बक, चेक को डालता है ना, महीना का ही चार्ज है। ओ अच्छा, बुझ गए। पता नहीं आपके खाते से 5,000 रुपए उड़ गया तो पासबुक लेके दौड़े दौड़े कहाँ जाएंगे? बैंक में। मैनेजर साहब देखिए ना, मेरे खाता में पैसा कटा है, कथी का पैसा कटा है? तो फलाना टका ई का ऊ का, हो सकता है गलती भी कटे, तो गलती को ढूंढा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका डाउट था 27 नंबर का 11, ये वाला, एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ये बोल रहे हो? यस सर। अब इसके एक्स का अकाउंट देखने के लिए पहले एक्स को देखना पड़ेगा ना, कितना कितना का इसका काम हुआ है। एक्स वाला सारा सामान देखिए, एक्स का पहले से बकाया भी था। एक्स 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 को फाइंड आउट करिए। इसके पहले वाला एंट्री अगर समझ में आ गया होगा तो देखिए, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट
6 लाख। अब देखो एक्स को कितना का सामान बेचा है आपने, 6 लाख का। फिर अगला पॉइंट कहता है कि एक्स रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड सोल्ड टू हिम, तो वापस भी आ गया, ये भी एंट्री आपको समझ में आया होगा, 1/6 हिस्सा। तो आपने 6 लाख का सामान बेचा, ध्यान से देखिए, आपने सेल किया कितने का, सेल्स किया 6 लाख का एक्स को, वो रिटर्न कितना कर दिया, रिटर्न कर दिया 1/6। 6 लाख का छठा हिस्सा कितना होगा, 1 लाख, ऐसे निकलेगा 6 लाख इंटू 1/6, 1 लाख से कट जाएगा। 1 लाख का सामान उसने वापस कर दिया, तो जो वापस कर दिया उसका ही पैसा लेगा का, तो छोड़ देगा। किसी को 6 लाख का आपने सामान बेचा और उसने 1 लाख का सामान वापस कर दिया, तो क्या फिर भी आप उसको 1 लाख रुपया लोगे, नहीं लोगे ना। अब उसके यहाँ कितना बाकी रह गया, इतना बाकी रहा कितना, 5 लाख। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो इसका 10% कितना होगा, डिस्काउंट दे दीजिए ना, 5 लाख का 10% कितना होगा, सिंपल सा बात है, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 दे दिया, वापस छोड़ दिए हम, कितना पैसा आ जाएगा, 4,50,000। सिंपल सा बात है, आपके पास फिगर आ गया, आप एंट्री कर लीजिए। क्या एंट्री करोगे बोलो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, देख रहे हो कैश यहाँ पे लिखा, कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000, डिस्काउंट अलाउड 50,000 टू एक्स 5 लाख, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी एंट्री होगा, सिंपल सा बात है, कैश कितना होगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,50,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू एक्स अकाउंट कितना, 5 लाख। ओके डन, दोनों डाउट आपके क्लियर हो गया, यस सर। अब सारे क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, मेरे बताने लायक छोटा मोटा भी कॉन्सेप्ट एक था वो भी मैंने बता दिया, उसके बाद एक थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन वहां तक आप पहुंचे तो सही, पहले 29 नंबर में है। चलो हम डिस्कस कर ही देते, थोड़ा आइडिया दे देते हैं आपको, ठीक सर, ये है कोई कॉन्सेप्ट बताएं क्या, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये वाला आप देख लीजिएगा, वहां पे बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं करना है उसमें, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट तो बताए हैं, राइट, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देगा। अब ये चैप्टर आपसे ये जानकारी चाहता है कि आप कितने परसेंटेज सारे बातों को समझते हैं। क्वेश्चन में अभी तक आपके पास क्या रह रहा था, अभी तक आपके क्वेश्चन में रह रहा था, ऐसा क्वेश्चन रह रहा था, ऐसा ट्रांजेक्शन दिया हुआ, जैसे किसी एक क्वेश्चन को उठाते हैं, अभी आपके पास ये सारा आंसर का पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन रह रहा था, गुड्स स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, ये सब था। अभी क्या होगा, कुछ जब जाओगे 29 नंबर रेलवे स्टेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिले रहेगा दूसरे फॉर्मेट में, मतलब अजीब सा, बूझो तो जाने का कॉन्सेप्ट है वो, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखो ये है क्वेश्चन, तो आप तो कहोगे सर ऐसा तो हम आंसर बना रहे थे, हम भी यही कह रहे हैं कि आंसर ही बना रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपसे दिमाग लगवाएगा दूसरे वे में, मतलब कॉन्सेप्ट आपको आता है लेकिन उसको आपको टेस्टिंग करेगा। अब टेस्टिंग कैसे करेगा, तो क्वेश्चन नहीं देके आपको आंसर ही दे दिया और नरेशन में लिख दिया कुछ बातें, और यहाँ पे 2-2 करके लिख दिया ऐसे, तो आपको क्या करना है, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा आपको इसको भरना है। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000 परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो 8,000 का गुड्स आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे लिया, तो कितना घट गया, 8,000 का 20% घटेगा, 1,600 रुपया घट जाएगा, यानी कि 1,600 जैसे ही 8,000 में से लेस करोगे 6,400, राइट। तो 6,400 का परचेज होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जो खाली जगह लिखा हुआ है ना DR करके, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। फिर उसका बोल रहा है 5% कैश डिस्काउंट भी देना है, तो 5% कितना हो जाएगा, 6,400 का 5% निकालेंगे, बाकी कैश में दे देना, 2 डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। मतलब नरेशन को पढ़ के हमको क्या करना है, ढूंढना है, राइट, ठीक है।
कहीं कहीं देखो कुछ भी, कहीं अमाउंट दे दे रहा है, कहीं आपको टू बाई खाली लिख के छोड़ दे रहा है। एक बार दिमाग लगाएंगे, यहाँ तक पहले पहुंचिए, मैंने एक आपको हिंट दे दिया कि कैसे आपको बनेगा। देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देख रहे हो ना, परचेज अकाउंट डेबिट 6400, कैश अकाउंट 6080 और डिस्काउंटर सिर्फ 320 रुपया। तो कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपका दिमाग का टेस्टिंग करने के लिए। तो आप कोशिश करिएगा, होगा सारा का सारा कुछ, है ना। अब इस पे जितना कम से कम समय लगा के आप लोग इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को खत्म करें, ताकि हम लोग अगले चैप्टर पे मूव ऑन करें। एक से दो दिन जो समय आपको लगता है, क्योंकि करना सब हम ही लोग को है, आपको ही क्वेश्चन सारा करना है। जितना जल्दी कर लेंगे आप, उतना जल्दी हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे। या इसी को अभी अभी रखना है आपको, जितना मर्जी 2-4-5 दिन तो रखिए आप, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है जी, मेरे तरफ से इस चैप्टर में अब कुछ कराना नहीं है आपको। जो आपको क्वेश्चंस का डाउट आएगा वो करेंगे। अगर ये सारा आप लोग कर लेंगे तो हम लोग लेजर की ओर मूव ऑन कर लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है आप क्वेश्चन अपना करते रहें और आप ऐसा कहें कि हम लेजर स्टार्ट करवा दें 1-2 दिन में, लेकिन कल तो नहीं, कल अभी आप इसी क्वेश्चन को करिए, कम से कम कल भर तो आप समय लीजिए इस पे। ठीक है जी, और कोई समस्या? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, नो सर, ठीक है। Yes, ठीक है, फिर कल हम लोग मिलते हैं राइट टाइम पे।